तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल के फीचर बताने वाला हूँ आपको, आईफोन के अंदर के व्हाट्सअप के कमाल के नए फीचर बताने वाला हूँ जो कि आपको अपने आईफोन के अंदर मिलेंगे। व्हाट्सअप के अंदर तीन नए ऐसे फीचर बताऊंगा जिससे आप अपने व्हाट्सअप यूज़र को एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे आईफोन यूज़र्स के लिए। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप के कमाल के फीचर जो कि आपको iOS में मिलते हैं। तो उसके लिए सबसे जाना है आपको अपने मोबाइल के व्हाट्सअप पे, व्हाट्सअप पे चले जाना है आपको, किसी भी चैट पे चले जाना है। तो यहाँ पर आपको एक यूनिक फीचर ये मिलने वाला है कि जैसे ही आप यहाँ पर कैमरा टैब को यूँ टैप करके रखेंगे तो आपको यहाँ पर एक राउंड कलर का ये मिल जाएगा जिससे आप कोई भी अपना वीडियो मैसेज ईजिली बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना वीडियो मैसेज को क्रिएट करके यहाँ पर आप सेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो यूनिक फीचर है इसमें यही दिया गया है और बहुत शानदार, ये सिर्फ iOS यूज़र के लिए दिया गया है। उसके बाद बात करें सेकंड नए फीचर की, वो ये है कि अब यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और बाद में ईमेल आईडी के थ्रू उसमें OTP मंगवा के अपने मोबाइल में लॉगिन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है अकाउंट सेटिंग्स पे, यहाँ जाना है अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे, अकाउंट में जाने के बाद जाना है ईमेल एड्रेस पे, एंड देन यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे OTP आएगा जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ, उस OTP के थ्रू आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। जैसे ही आप उसको यहाँ पर नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे और वो व्हाट्सअप आपका ईमेल आईडी से लिंक हो जाएगा और जब भी आप उसको चाहें तो अपने ईमेल आईडी के थ्रू आप अपने व्हाट्सअप को लॉगिन भी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ये फीचर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बात करें थर्ड जो फीचर की, उसके लिए आपको जाना है चैट्स पे। फीचर ये दे दिया गया है दोस्तों कि कब भी आपकी कोई वीडियो आती है और कोई वीडियो आपने भेजी है तो आप उसको वहीं से अपग्रेड या फिर बैकवर्ड कर सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं 10 सेकंड का, जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियोस में करते हैं या नॉर्मल वीडियो प्लेयर में करते हैं। तो वो सपोर्ट भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो यही नया फीचर एक और ऐड ऑन किया गया है। इसके अलावा एक फीचर और ऐड ऑन किया गया है, उसके अलावा एक नया फीचर और दे दिया गया है, वो है इसमें आपको मिल गया है, इसमें एक चीज़ और दे दी गई है आपको, इसके अंदर AI का सपोर्ट दे दिया गया जो कि iOS में मेरे एंड्रॉयड यूज़र पे नहीं आया, एंड्रॉयड मोबाइल पे नहीं आया, iOS में आ गया। आप इसके अंदर मीटा AI का यूज़ कर सकते हैं और जो चाहें उससे आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ये भी एक नया अपडेट यहाँ पर दे दिया गया है, जो भी चाहें आप यहाँ पर करवा सकते हैं। तो यही कुछ नया अपडेट था व्हाट्सअप का जो कि आप अपने iOS में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, व्हाट्सअप पे भी मुझे फॉलो कर लेना और हो सके मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।